नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। आपके साथ मैं हूं रिया राय। मेरे साथ देखिए खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संबोधन। भारत में गांव का प्रधान हो या फिर देश का प्रधानमंत्री, कोई नियमों से ऊपर नहीं। साथ ही कोरोना काल में लोगों से खुद का ख्याल रखने की पीएम ने की अपील। आज रिटायर हो रहे हैं आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन गंगा खेडकर। देश में चल रही कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं गंगा खेडकर। अनलॉक टू की नई गाइडलाइन जारी। मेट्रो जिम और बार पर रहेगी रोक। स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक रहेंगे बंद। 1 जुलाई से प्रभावी होगा अनलॉक टू। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का लिया फैसला। अनलॉक टू नहीं होगा लागू। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में अब तक 169,883 लोग संक्रमित, 7,610 लोगों की मौत। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 73,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में 18,522 नए मामले आए सामने, 418 लोगों की मौत। संक्रमण के कुल मामले 5,66,000 के पार। 3,34,000 लोगों का हो चुका है सफल इलाज। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 13,000 मरीजों का हुआ सफल इलाज। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,15,000। इस तरह मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 58% से ज्यादा हो गई है। बीएसएफ के जवानों पर बढ़ता जा रहा है कोरोना का प्रकोप। पिछले 24 घंटों में बीएसएफ के नए 53 जवानों का टेस्ट पॉजिटिव। बीएसएफ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक 354 एक्टिव केस हैं, वहीं अब तक 659 जवान हो चुके हैं ठीक। 48 घंटे में तैयार होगा 100 बिस्तर का फोल्डेबल अस्पताल। नहीं होगा आग और पानी का असर। एमप्री और रुड़की स्थित सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है मॉडल। मुंबई में आतंकी हमले की साजिश। पाकिस्तान से आया ताज होटल को उड़ाने की धमकी भरा फोन। फोन पर शख्स ने कहा कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुआ आतंकी हमला, सभी ने देखा। अब ताज होटल में 26/11 जैसा हमला एक बार फिर होगा। विशाखापट्टनम में एक बार फिर गैस रिसाव की घटना। सोमवार रात एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में गैस रिसाव होने से 2 लोगों की मौत, 4 अन्य को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। इंडियन रेलवे की कैटरिंग और पर्यटन का काम देखने वाले आईआरसीटीसी ने 500 से अधिक सुपरवाइजरों की सेवा को रद्द करने का किया फैसला। आईआरसीटीसी ने कहा नहीं है अब इनकी जरूरत। देशव्यापी विरोध के बीच डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर लगा ब्रेक। मंगलवार को कोई नहीं किया गया परिवर्तन। राजधानी में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 80 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में कहर बरपा रहा है मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण असम में 13 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अब तक 22 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून के पहुंचने के बाद भी लोगों को नहीं मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज आंधी तूफान के साथ कई इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश। कोरोनिल पर आचार्य बालकृष्ण का यूटर्न। कहा हमने कोरोना के इलाज की दवा नहीं बनाई, हम ये कह रहे हैं कि हमारी बनाई हुई दवा से क्लिनिकल ट्रायल में ठीक हो गए हैं कोरोना के मरीज। अमेरिकी समकक्ष मार्क ओशो से फोन पर बात कर सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत चीन सीमा विवाद पर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में ढेर हुए 2 आतंकवादी। कांग्रेस नेता शहनवाज की गिरफ्तारी के बाद प्रियंका का योगी सरकार पर निशाना। ट्वीट कर बोली योगी आदित्यनाथ सरकार, आप लोग दूसरी पार्टी की आवाज को दबा सकते हो, हमारी नहीं। एक बार फिर टला शिवराज मंत्रिमंडल का 30 जून को होने वाला विस्तार। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद शिवराज का मध्य प्रदेश लौटने का कार्यक्रम रद्द। सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन यूनिट को किया डिजाइन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले ऑक्सीजन यूनिट के उपयोग से वेंटिलेटर व सिलेंडरों की डिमांड में आएगी कमी। भारत चीन सीमा पर भारतीय जवानों के बलिदान को लेकर फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने राजनाथ सिंह को लिखा पत्र। 15 जून को गलवान घाटी में जवानों के बलिदान पर व्यक्त की सांत्वना। चीनी ऐप पर बैन का कांग्रेस ने किया समर्थन। कहा कि केंद्र को उठाने होंगे और प्रभावी कदम। बैन किए गए ऐप में लोकप्रिय ऐप टिकटॉक, वीचैट, वीगो लाइव और यूसी ब्राउजर शामिल। लिपुलेख गर्भाधार मार्ग से चीन सीमा तक भारत की पहुंच होते ही लगातार तल्ख होते जा रहे हैं नेपाल के तेवर। भारतीय सीमा पर 89 नई बीओपी चौकी खोलेगा नेपाल। 10,000 जवानों से बढ़ाएगा चौकसी। श्रीलंका के पूर्व खेल मंत्री महिंदानंद अथुलगामगे का दावा। वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल पर लगाया फिक्सिंग का आरोप। श्रीलंकाई सरकार ने आरोपों की आपराधिक जांच के दिए आदेश। खबरें फटाफट में, बस इतना ही। देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।